सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अहद इंटीरियर में। मैं आपका अपना दोस्त मोहम्मद इमरान। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो। आज हम सिखाने वाले हैं आपको सूरज के डिजाइन की चौखट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसका एक फर्मा काटना है सूरज के डिजाइन का। फिर उसी डिजाइन की हमें अपनी लकड़ी काट लेनी है, बिल्कुल उसको फिनिश कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रोसेस आएगा हमारा उस लकड़ी को गोलाई में जोड़ने का। तो गोलाई में उस लकड़ी को हम कैसे जोड़ेंगे ये आप देखते रहिए। ये देखिए हमने अपनी बीच में लकड़ी में चूल काट दी है और उस चूल को अब हम निकाल देंगे। और ऐसे ही हम अपनी जो हमारी दोनों लकड़ी हैं उन दोनों लकड़ी में हम ऐसे ही चूल को बहुत आराम से निकाल लेंगे। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हमारी ये लकड़ी ख़राब हो जाएगी और ये कहीं से भी फट सकती है, क्योंकि गोलाई में अक्सर ऐसा होता है कि लकड़ी कहीं पे हमारी आड़ी आ जाती है और कहीं पे लंबी। अगर आपकी लकड़ी आड़ी आ गई तो वो फट जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो आप जैसा कोई भाई इस चौखट को बनाना सीख सकता है। तो आपसे निवेदन यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इसमें आपकी समझ में कोई काम नहीं आता है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों देखिए ये हम लकड़ी अपनी कैसे जोड़ रहे हैं। इस लकड़ी को हमें बड़े आराम से अंदर इसमें चूल ले लेनी है और चूल में हमें अलग से एक लकड़ी लगानी है और उस लकड़ी में हमें ऐसे बहुत आराम से और बड़े प्यार से पेंच लगा देने हैं। दोस्तों ये बहुत ही ईजिली है, इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए हमने ये लकड़ी जोड़ दिया लगभग, अब इसमें हम पेंच लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहें, हम ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसके अंदर ये पेंच अपना लगा दिया है। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। तो ये देखिए हमने अपने पेंच इसमें लगा दिए हैं और आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि दोनों तरफ ऐसे ही पेंच लगाने हैं इसको पलट करके भी। इसके बाद दोस्तों देखिए हमारी जो लंबी लकड़ियां हैं इनके अंदर जो हमारी नीचे की जो चौखट है गोलाई से नीचे की उसके अंदर अब हम पैताम निकाल लेंगे। जितना भी पैताम आपको चाहिए होगा, चाहे तो आप 35 mm निकालिए, 40 निकालिए या फिर 50 mm या 2 इंची कह दो या 1.5 इंची, जितना भी आपको अच्छा लगे या जितने आपका समझ में आए। दोस्तों असल में मैंने इसकी जो ये नीचे की चौखट है जो सादी चौखट है उसको बनाना आपको नहीं सिखाया है इसमें, क्योंकि उसमें मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। वो इसीलिए कि सादी चौखट हमेशा सभी कारपेंटर भाई बड़े आराम से बना लेते हैं, बस परेशानी आती है तो डिजाइन वाली चौखट में। तो देखिए नीचे वाली चौखट को हम बड़े आराम से और बड़े अच्छे से उसको सेट कर लेंगे। वो इसमें आप ध्यान दीजिए मैंने चौखट के ऊपर भी चूल चीरी हुई है। ये किस लिए? ये चूल मैंने दोस्तों इसलिए चीरी है जो हमारी गोलाई आएगी वो गोलाई के अंदर ये चूल फंस जाएगी और इसके अंदर ये गोलाई आकर के इसमें टच हो जाएगी, तो बाहर से हमें देखने में लगेगा कि इसके उसके अंदर चूल नहीं है और ये हमारी चौखट एकदम बहुत आराम से बन जाएगी। तो इसमें भी दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि आप हमेशा अपना कुछ भी काम करें उसको गुनिया में करें और गुनिया चेक करके हमने देखिए इसके अंदर भी पेंच लगा दिए हैं। दोस्तों अगर आपकी समझ में कोई भी बात नहीं आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इस पर कमेंट करें, अपनी राय दें कि हम इसमें आगे क्या बेहतर कर सकते हैं या इसमें कुछ और बेहतर कर सकते थे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये हमने अभी आपके सामने अपनी गोलाई भी जोड़ दी है, बिल्कुल आपका टाइम ख़राब किए बिना हम बिल्कुल आपको एक सिंपल तरीके से इसको बनाना सिखा रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ, प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप ना करें। तो आप देख सकते हैं हमने ये इसके अंदर गोलाई जोड़ दी है चौखट के अंदर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा जिसके अंदर सूरज होता है, सूरज की जो किरणें निकलती हैं ये वो वाला डिज़ाइन है। अगर मैं छोटी सी बात में करूँ तो ये है सूरज। और अगर मैं इस लकड़ी की बात करूँ ये क्या है,
ये लकड़ी है जिसकी किरणें निकलती है सूरज की, ये किरणें हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको दोनों तरफ पैताम काट लेना है 10x10 का, और उसके बाद इसके अंदर ये गोला बना देना है। ये देखिए ये लकड़ी हमारी यहाँ पर लगने वाली है और ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। तो ये देखिए हमने अपना सब कुछ कर दिया है, लकड़ी तैयार कर ली है और चांद भी तैयार कर दिया है, सूरज तैयार हो गया है। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप आता है कि इसको हम अंदर कैसे फंसाएं। तो दोस्तों ये फंसाना भी बहुत ईजली है। तो ये देखिए हमने बहुत ही इसको धीरे धीरे अंदर डाल रहे हैं। दोस्तों सबसे ध्यान रखने वाली और महत्वपूर्ण बात यह है, जो कि मैं उसकी वीडियो उस वक्त नहीं बना पाया, कि ये लकड़ी हमें कितनी चौड़ी रखनी है। दोस्तों ये लकड़ी हमें चौड़ी रखनी है इतनी कि जितना हमारा पैताम से बाद में, अगर मैं सपोज करूँ हमारी लकड़ी 6 इंच है और 6 इंच के बाद मैंने उसमें अपनी चौखट के अंदर 1.5 इंच पैताम लिया है, तो मैं इन लकड़ी को भी 1.5 इंच कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि बैक साइड में मैं पूरा ही एक शीशा लेने वाला हूँ, क्योंकि अलग अलग पीस में शीशा इतना नहीं बन पाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा, वो लुक नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बारीक वाली बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हमारी इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ सीख लेंगे। तो अगला स्टेप दोस्तों देखिए इसका आता है कि इसके ऊपर मोल्डिंग बनाइए। आप देखिए मैंने पैताम जितनी वो लकड़ी रखी थी और उसके बाद में ऊपर की इसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर की ये लकड़ी हम अलग से लगाएंगे मोल्डिंग के तौर पर। इसके अंदर भी दोस्तों मैंने अपना डिज़ाइन दिया है 10x10 का, इसमें दोनों तरफ पैताम निकाल के उसको मैंने गोले में तब्दील कर दिया है, गोलाई में, आप देखते रहिए। दोस्तों ये बहुत ही ईजिली है बनाना, इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप एनी टाइम हमारे मेल आईडी पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मेल आईडी पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा मेल आईडी भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट भी हमसे मेल करके बात कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने अपनी इसकी मोल्डिंग काट ली है और उसकी मोल्डिंग अब हम लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक शीशा रखा हुआ है, शीशा किस लिए कि मुझे इसके अंदर 6mm का ग्लास लगाना है, तो वो एकदम बिल्कुल ईजिली मुझे 6mm क्लियर मिल जाएगा अगर आप ऐसे ही करते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए मैंने ऊपर की तरफ भी इसमें मोल्डिंग लगा दी है और मोल्डिंग भी मैंने गोलाई में ही काटी है। आप जिग्सो मशीन की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से आप ऐसे ही गोलाई में मोल्डिंग काटें तो आपका ये लुक बहुत ही अच्छा आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बनानी सीख गए होंगे। ये चौखट लगभग बनकर हमारी अब तैयार हो गई है और ये बहुत ही अच्छी चौखट होने वाली है। ये देखिए इसमें कितना शानदार इसका लुक आया है, ये देखिए ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है जब हम इसको अंदर ले जाकर खड़ी करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारा काम कैसा लगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्दी मिलती रहे। तो दोस्तों इसके बाद देखिए ये हमने इसको जाम भी कर दिया है, इसमें होल पास लगाए हैं, हमने इसके अंदर फास्टनर नहीं लगाए क्योंकि फास्टनर बहुत कच्चे होते हैं, इसलिए हमने इसके अंदर होल पास लगाए हैं। तो ये चौखट बहुत ही शानदार हो गई हमारी। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।